हम पढ़ेंगे अलाउंसेस इन पैटर्न मेकिंग. सबसे पहले कि ये पैटर्न क्या है. पैटर्न इज रेप्लिका और डुप्लीकेट कॉपी ऑफ प्रोडक्ट. जो हम कास्टिंग से प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसका रेप्लिका है या फिर डुप्लीकेट है उस प्रोडक्ट का. और पैटर्न का क्या यूज है. पैटर्न इज यूज टू मेक कैविटी और मोल्ड इन कास्टिंग. तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पैटर्न्स. सबसे पहला है हमारा सिंगल पीस पैटर्न, स्प्लिट पैटर्न और टू पीस पैटर्न, गेटेड पैटर्न, कोप एंड ड्रैग पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न, लूज पीस पैटर्न, फॉलो बोर्ड पैटर्न, स्वीप पैटर्न एंड स्केलेटन पैटर्न. सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंगल पीस या फिर सॉलिड पैटर्न क्या चीज है. एज द वेरी नेम सजेस्ट, सिंगल पीस या फिर सॉलिड पैटर्न मतलब एक ही पीस में है ये. सिंपलेस्ट एंड लीस्ट एक्सपेंसिव टू मेक, सबसे सस्ता पड़ता है और सबसे ईजी है ये पैटर्न जिसे बनाया जाता है. दे आर मेड ऑफ सिंगल पीस, सिंगल पीस से बनते हैं. यूज फॉर रिलेटिवली सिंपल शेप्स, बहुत ही सिंपल शेप्स के लिए ही इसका यूज किया जाता है. स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज में लिया जाता है और इन प्रोटोटाइप डेवलपमेंट. दिस पैटर्न शुड बी एंटायरली इन द ड्रैग. ये जो पैटर्न है इसे हम कोप में भी रख सकते हैं, ड्रैग में भी रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम इट इज एंटायरली इन ड्रैग. To avoid withdrawal problem, one of the surfaces should be flat so that it can be used as parting plane. और एक surface को हमें flat रखना ही पड़ेगा ताकि उसको withdrawal के time पे हम parting plane की तरह use कर सकें उस surface को. अब देखें हम split और two piece pattern. Split है, two piece pattern है तो single में नहीं है, ये दो भाग में होगा. When contour of the casting makes its withdrawal from the mold difficult or when the depth of casting is too high, pattern is split into two parts. जब contour है casting का या फिर जो उसकी shape है वो उसका withdrawal इतना easy नहीं है mold surface से, वो difficult हो गया है तो उसको हम single piece में नहीं रख सकते. और जब depth of casting भी high हो जाएगी तो हम pattern को दो part में split कर देंगे. और ये बहुत ही intricate castings के लिए use में लिया जाता है जिसकी कॉम्प्लेक्स शेप्स हो. स्प्लिट सरफेस ऑफ द पैटर्न इज सेम एज द पार्टिंग प्लेन ऑफ द मोल्ड. दो पार्ट में बनेगा ये और जो दो पार्ट है हमारे उसमें उसको हम डॉवल पिन से अटैच कर देते हैं. ये जो है ये कोप है और ये ड्रैग का पार्ट है और ये दोनों जो है वो डॉवल पिन से अटैच रहते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा गेटेड पैटर्न. दिस इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द सिंपल पैटर्न वेयर द गेटिंग एंड रनर सिस्टम आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पैटर्न. इसमें क्या है, अलग से हमें गेट राइजर नहीं लगाने पड़ते हैं. गेट और रनर इसमें पूरा एक कॉमन ही पूरा सिस्टम रहता है. गेट है, ये गेट है इसका, ये रनर है और ये पूरा अपना पैटर्न है. दिस एलिमिनेट्स द हैंड कटिंग ऑफ द रनर्स एंड द गेट्स एंड हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ मोल्डर. मोल्डर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, हमें अलग से गेट या फिर रनर इसमें कट नहीं करने पड़ते हैं. फिर आता है हमारा कोप एंड ड्रैग पैटर्न. इसमें क्या है, सिमिलर टू स्प्लिट पैटर्न जो हमारा था टू पीस पैटर्न उसी के जैसा ही है ये. व्हेन लार्ज क्वांटिटीज आर टू बी प्रोड्यूस्ड, कोप एंड ड्रैग हाफ्स ऑफ द स्प्लिट पैटर्न्स आर अटैच्ड टू सेपरेट मेटल और वुडन प्लेट्स. जब क्वांटिटीज जो है हमारी बढ़ जाती हैं तो उसके लिए हम कोप और ड्रैग हाफ्स को अलग अलग करके और उसको अलग अलग मेटल या वुडन प्लेट से अटैच कर देते हैं इस तरीके से. ये दो हमारी प्लेट्स हैं कोप और ड्रैग अलग अलग की एंड अलाइन टू प्रोड्यूस कोप एंड ड्रैग पैटर्न्स. और दोनों प्लेट्स को अलाइन कर दिया जाता है. लार्ज मोल्ड्स कैन इजीली बी हैंडल्ड इन सेपरेट सेगमेंट्स. और बड़े बड़े मोल्ड्स को अलग अलग सेगमेंट्स में हैंडल आराम से किया जा सकता है. दीज टाइप ऑफ पैटर्न्स आर यूज्ड फॉर हैवी कास्टिंग्स विच आर इनकन्वीनियंट फॉर हैंडलिंग एज ऑल्सो फॉर कंटिन्यूस प्रोडक्शन. फिर आता है हमारा मैच प्लेट पैटर्न. इन मैच प्लेट पैटर्न कोप एंड ड्रैग पैटर्न्स अलोंग विद द गेटिंग एंड राइजरिंग आर माउंटेड ऑन अ सिंगल प्लेट. एक ही प्लेट पे, देखिए सिंगल प्लेट पे ही हम इसमें रनर और गेट को माउंट कर देते हैं. अब क्या होगा, ऑन वन साइड ऑफ द मैच प्लेट द कोप फ्लास्क इज प्रिपेयर्ड, ऑन द अदर साइड फ्लास्क. After molding, when match plate is removed, a complete mold with gating is obtained by joining the cope and drag together. ठीक है, एक तरफ तो हम क्या करते हैं कोप फ्लास्क को प्रिपेयर कर लेते हैं और दूसरी साइड पे हम कर लेते हैं ड्रैग को. अब आफ्टर मोल्डिंग व्हेन द मैच प्लेट इज रिमूव्ड, मैच प्लेट को रिमूव करने के बाद अ कंप्लीट मोल्ड विद गेटिंग इज ऑब्टेंड. ठीक है,
एक पूरा कंप्लीट मोल्ड ऑब्टेन हो जाता है कोप और ड्रैग जिसमें टुगेदर होते हैं. द कंप्लीट पैटर्न विद मैच प्लेट इज एंटायरली मेड ऑफ मेटल, यूजली एल्यूमिनियम से बना होता है ये. और सेवरल पैटर्न्स में बी फिक्स टू अ सिंगल मैच प्लेट्स. मैक्सिमम नंबर ऑफ पैटर्न्स को एक सिंगल प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं. इट्स जनरली यूज्ड फॉर स्मॉल कास्टिंग्स विद हायर डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड लार्ज प्रोडक्शन. फिर आता है हमारा लूज पीस पैटर्न. व्हेन द प्रोडक्ट हैज प्रोट्रूडिंग सेक्शंस अरेंज सच दैट वन पीस और स्प्लिट पैटर्न कुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द मोल्ड, अ लूज पीस पैटर्न कैन बी यूज्ड. जब हमारी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शेप्स रहती हैं जिनको हम रिमूवल के टाइम पे हो सकता है हमारी सैंड भी वेस्ट हो और हमारा कास्टिंग प्रोडक्ट भी डैमेज हो, तो उस केस में हम लूज पीस पैटर्न को यूज में लेते हैं. तो लूज पीस आर हेल्ड टूगेदर टू द प्राइमरी सेगमेंट ऑफ द पैटर्न बाय लेवल्ड ग्रूव्स और पिन्स. लूज पीसेस जो है उन्हें या तो हम ग्रूव्स से बेवल्ड ग्रूव्स या फिर पिन से होल्ड करके रखते हैं. आफ्टर मोल्डिंग द प्राइमरी सेगमेंट ऑफ द पैटर्न इज रिमूव्ड बाय डायरेक्ट विड्रॉल. द होल दैट इज क्रिएटेड परमिट्स द रिमेनिंग सेगमेंट्स टू बी मूव्ड इन द डायरेक्शन नेसेसरी फॉर देयर एक्सट्रैक्शन. मोल्डिंग के बाद प्राइमरी सेगमेंट जो है पैटर्न का वो तो डायरेक्ट विड्रॉल से हो जाता है और उसके बाद हम लूज पीस को रिमूव कर सकते हैं. लूज पीस पैटर्न्स आर एक्सपेंसिव, दे रिक्वायर केयरफुल मेंटेनेंस, स्लो द मोल्डिंग प्रोसेस, इंक्रीज मोल्डिंग कॉस्ट, देयर नीड शुड बी एलिमिनेटेड थ्रू डिजाइन चेंजेस. हम जितनी कोशिश कर सकें हमें ये लूज पीस पैटर्न को एलिमिनेट ही करना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, महंगा पड़ता है, मेंटेनेंस लगती है और बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है और इससे हमारा मोल्डिंग कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता है. फिर आता है हमारा फॉलो बोर्ड पैटर्न. फॉलो बोर्ड पैटर्न क्या है? दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज अडॉप्टेड फॉर कास्टिंग्स दैट हैव सम स्ट्रक्चरली वीकर पोर्शंस विच इज नॉट सपोर्टेड प्रॉपरली और लाइकली टू ब्रेक अंडर द फोर्स ऑफ रैमिंग. ये हम तब यूज करते हैं जब स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा ही वीक है और अगर उसको इवनली या फिर प्रॉपरली सपोर्ट नहीं किया तो वो रैमिंग के फोर्स को झेल नहीं पाएगा और वो टूट जाएगा. द बॉटम बोर्ड इज मॉडिफाइड एज अ फॉलो बोर्ड टू क्लोजली फिट द कंटूर ऑफ द वीक विच द सपोर्ट्स इट ड्यूरिंग रैमिंग ऑफ द ड्रैग. इस तरीके से ये फॉलो बोर्ड को बनाया जाता है. ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ द कोप नो फॉलो बोर्ड इज नेसेसरी बिकॉज द सैंड विच इज कम्पैक्टेड इन द ड्रैग विल सपोर्ट द फ्रेजाइल पैटर्न. और जब हम कोप को बनाते हैं तब हमें कोई भी फॉलो बोर्ड की जरूरत नहीं है क्योंकि जो हमारे पास जब हम सैंड को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं ड्रैग में तो वो उसको सपोर्ट करेगा अच्छे से. नेक्स्ट है हमारा स्वीप पैटर्न. इट इज़ यूज टू स्वीप द कम्प्लीट कास्टिंग बाय मीन्स ऑफ अ प्लेन स्वीप. एक स्वीप से हम उसको कम्प्लीटली स्वीप करते हैं. स्वीप पैटर्न्स आर यूज फॉर जनरली लार्ज एक्सीसेमेट्री और प्रिज्मेटिक शेप सच एज बेल शेप्ड और सिलेंड्रिकल शेप. कोई भी एक्सीसेमेट्री प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें हम स्वीप पैटर्न को यूज करते हैं. इस तरीके से ये होता है. ये एक स्वीप है, ये पोस्ट है और ये ग्रीन सैंड है. ये इस तरीके से रोटेट करेगा और जितनी हमको एरिया चाहिए उसको स्वीप कर देगा और वहाँ पे हमारी एक कैविटी सी बन जाएगी जिसको हम पैटर्न की तरह यूज में ले सकते हैं. इट अवॉइड्स द कॉस्ट ऑफ थ्री डायमेंशनल पैटर्न. और स्वीप पैटर्न इज पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर वेरी लार्ज कास्टिंग सच एज बेल्स और फॉर ऑर्नामेंटल पर्पसेज विच आर जनरली कास्ट इन पिट मोल्ड्स. इससे हमें वेरी लार्ज कास्टिंग्स ऑब्टेन हो सकती हैं. नेक्स्ट इज स्केलेटन पैटर्न. स्केलेटन मतलब ढांचा. तो ये क्या होता है? स्ट्रिप्स से बना होता है. स्ट्रिप्स ऑफ वुड्स यूज्ड फॉर बिल्डिंग द फाइनल पैटर्न बाय पैकिंग सैंड अराउंड द स्केलेटन. आफ्टर पैकिंग ऑफ द सैंड डिजायर्ड फॉर्म इज ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिकल. और टाइप ऑफ स्केलेटन टू बी मेड इज डिपेंडेंट अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द वर्क पीस. इसमें क्या करते हैं हम पतली वुड की स्ट्रिप्स से हम कोई भी अपने डिजायर्ड शेप बना लेते हैं. उसमें सैंड को फिल किया जाता है और ऊपर से स्ट्रिकल से उसको झाड़ दिया जाता है पूरी सैंड को. तो इससे हमें एक पूरा पैटर्न अपने अकॉर्डिंगली शेप में मिल जाता है. अब स्केलेटन पैटर्न इज जनरली यूजफुल फॉर वेरी लार्ज कास्टिंग्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज वेयर लार्ज एक्सपेंस ऑन कम्प्लीट वुडन पैटर्न इज नॉट जस्टिफाइड. ये कहाँ पर यूजफुल है? जहाँ पर बहुत बड़ी कास्टिंग्स हमें बनानी है, दैट इज इन स्मॉल क्वांटिटी में.
और जहाँ पर हम ज़्यादा खर्चे हमारे नहीं कर सकते हैं वहाँ पर हमारा ये स्केलेटन पैटर्न काम में आता है। थैंक यू।